बात करते हैं हरिद्वार की, जहां आस्था के महाकुंभ की आज से विधिवत शुरुआत हुई है। लेकिन हर की पौड़ी पर गंगा आरती के साथ महाकुंभ की शुरुआत की गई। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इतने श्रद्धालु नहीं पहुंचे जितने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जो भी भक्त पहुंचे हैं वो यहां पर किए गए इंतजामों से खुश नजर आ रहे हैं। वही पुजारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से कुंभ की छटा वैसी नहीं है जैसी देखने को मिला करती है। लंबे इंतजार के बाद आज से हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। हालांकि कोरोना के बढ़ते केस की वजह से हरिद्वार महाकुंभ की रंगत वैसी नहीं दिख रही जैसे पहले दिखा करती थी। महाकुंभ की शुरुआत के दिन गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते थे, लेकिन इस बार भक्तों की तादाद बेहद कम दिखाई दे रही है। कोरोना को देखते हुए हरिद्वार में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में यहां पहुंचने वाले भक्तों की तादाद बेहद कम हो गई है। उन घाटों पर जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर महाकुंभ के पहले दिन भी सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो गई है और इस वक्त मैं हर की पौड़ी पे हूँ। हरिद्वार में महाकुंभ के पहले दिन किस तरह की रौनक है ये हम आपको दिखा देते हैं। पीछे ये हर की पौड़ी का नजारा है, ब्रह्मकुंड इसे कहा जाता है, और आप देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो माँ गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। आस्था की डुबकी है, हालांकि कई बाध्यताएं हैं, कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी है आपको। अगर हरिद्वार आना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होगा। हालांकि ये अमूमन इस तरह की भीड़ हर रोज की तरह होती है। कुंभ का सीजन चल रहा है, कुंभ का माहौल है, लेकिन जिस तरह से हरिद्वार में भीड़ होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। माँ गंगा की आरती के साथ ही हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत की गई। मेला अधिकारी दीपक रावत ने माँ गंगा की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया, साथ ही वो नदी किनारे बसे हनुमान मंदिर भी गए, जहाँ पर भगवान से उन्होंने कुंभ के सफल आयोजन की प्रार्थना की। इस दौरान दीपक रावत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोरोना के नियमों का ढंग से पालन करें। तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, चुनौती इस बात की है जो तैयारियां हैं उनको लगातार हमें कैसे मेंटेन रखना है, जो फैसिलिटीज बनी हैं वो चाक चौबंद रहें, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो सस्टेनेबल रहें, इसी को लेके हमारे प्रयास हैं। कोरोना का जो सवाल आपने उठाया है, इसमें जो बड़ी विस्तृत गाइडलाइंस भारत सरकार की एवं राज्य सरकार की हैं, उसका सभी से अनुरोध है कि इसका जरूर पालन करें। वहीं हरिद्वार मेले में शामिल होने आए भक्त भी यहां पर किए गए इंतजाम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इन लोगों की माने तो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए यहां पर पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। वहीं पर हरिद्वार में मौजूद पुजारियों का कहना है कि कोरोना की वजह से कुंभ की चमक फीकी पड़ गई और कोरोना के खतरे की वजह से बड़ी तादाद में लोग इस बार कुंभ में नहीं पहुंचे। जगह जगह चेकिंग हो रही है और रैंडम चेकिंग भी हो रही है और व्यवस्था प्रशासन ने बहुत अच्छी की हुई है। कोई भी दिक्कत नहीं है और सब कुछ सही ठीक ठाक किया है और हम आराम से आए, खूब अच्छा लगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आज तो जी कोविड-19 के कारण जो है बहुत प्रभाव पड़ा है इस कुंभ पे, यानी तो हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन भारत सरकार का गाइडलाइन के कारण लोगों में बहुत प्रभाव पड़ा है और आप सभी भक्त हरिद्वार पधारे। महाकुंभ को कोरोना के दंश से बचाने की कोशिश भी जारी है, जिसके लिए कुंभ क्षेत्र में आने से पहले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही और जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें ही एंट्री की इजाजत दी जा रही। हरिद्वार के बॉर्डर पर BSF और उत्तराखंड पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग कर रही और लोगों को कोरोना के लिए बनाए गए जाँच केंद्र भी भेजा जा रहा है। महाकुंभ के दौरान यदि आप हरिद्वार आना सोच रहे हैं तो आपके पास कोरोना की 72 घंटे पुरानी निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको जो महाकुंभ का पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा, तभी आपको उत्तराखंड बॉर्डर पर एंट्री मिलेगी। मेरे पीछे जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये इसीलिए लाइन लगी हुई है, जिन लोगों के पास कोरोना की 72 घंटे पुरानी निगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको यहाँ लाइन में खड़ा कर दिया गया है और इनकी सबकी जाँच की जा रही है कि आपको कोरोना है या नहीं है। ये लाइन में लगे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो हरिद्वार जा रहे हैं, कुछ
लोग ऐसे हैं जो देहरादून जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये लाइन है देश में इस तरह की लाइन फिलहाल अभी कहीं नहीं है। हरिद्वार के बॉर्डर पर, उत्तराखंड के बॉर्डर पर ये लाइन नजर आपको आ रही है। हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन जब भी होता है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से हालात बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहे हैं। घाटों पर भक्तों की तादाद कम दिख रही है और प्रशासन की ओर से भी कोरोना को लेकर सख्ती की जा रही। ऐसा इसलिए है ताकि धर्म के इस कुंभ में शामिल होने वालों की सेहत को कोरोना जैसे जानलेवा वायरस से बचाया जा सके और एक महीने तक चलने वाले इस कुंभ में शामिल लोगों की हिफाजत को पुख्ता किया जा सके। हरिद्वार से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।